हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सावनी ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी का ये ब्लॉग है इंदौर से, जब मैं सतना जा रही थी तब का ये ब्लॉग है। तो मैंने ट्रेन में ज़्यादा वगैरह सूट नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। हमारा तो रिजर्वेशन था तो तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कि फेस्टिवल टाइम में लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं रहता। तो उसके बाद फिर ये दिन का ब्लॉग है जब हम सतना पहुंचने वाले थे। उसके बाद मैं आपको घर की डाइट क्लिप दिखाऊंगी। कौन आया है? कौन आया है? मैं आई हूँ ना, तो बताओ कौन आया है। दीदी पैर नीचे करो, अब बताओ कौन आया है। दीदी कौन? प्यारी दीदी। दीदी प्यारी दीदी। दीदी प्यारी दीदी। दीदी हट, पिज्जा कैंसिल हो जाएगा। बोलो प्यारी दीदी। अच्छे से बैठ के कायदे से बैठ के बोलो ना, फोटो बनने की भेज रही है। कायदे से ऐसे बैठ के ये सब कायदे से बैठना है। वाह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने घर आ गई। कौन आया है डुगू? कौन आया है दीदी? डुगू आप ही बोल दो दीदी आई मेरी। लकी की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल चले गए, वहीं से घर जाएंगे और फिर शाम को मेरे को लेने आएंगे। तो मैं खाना ना खा के रेस्ट कर रही थी, तो मुझे याद है मैं ब्लॉग भी बना रही थी, उसे कंटिन्यू कर रही। दिस इज अब हैकला। कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो आ जाएगा। मैं खा ली, मैं खा मांस खा के गई। मम्मी भी खा ली, पापा भी। छोटू मुगाई थी सबको गेटो इसी में आ गया। बड़े पिताजी साथ खा के आ गई। ये कौन सा है? हाँ ये ठंडा हो गया, और ना गरम गरम भेज दिया था वो। अरे वो आते 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 ठंडा जाता। कैसा चाची? कैसा है डुगू? ऐसे बोला था ना, प्रॉमिस किया था ना, पूरा कर दिया ना। थैंक यू बोल दो दीदी को। इधर देख के, पीछे साइड देख के बोल रहा है। स्टेशन से घर इसीलिए आ गई थी क्योंकि मुझे डुगू को नमो को राखी बांधना था, क्योंकि सेकेंड डे मॉर्निंग में चाची की ट्रेन थी, उनको जबलपुर जाना था, उनको भी अपने मायके निकलना था। इसलिए मैं डायरेक्ट घर आ गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाची के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँगी और बच्चों को राखी वगैरह भी बांध दूँगी। फिर पता नहीं था कि चाची से मतलब इस बार मुलाकात होती कि नहीं हो पाती है, इसलिए मैं घर आ गई थी, उन लोग को राखी वगैरह बांधा। फिर शाम को ये आ गए थे मुझे लेने, तो वही मैं राखी वगैरह बांध के अब निकलने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि शाम को सेकंड डे हमारे घर पे एक छोटा सा फंक्शन था, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिए। कबाब बिरयानी। कबाब बिरयानी। अरे अरे कहाँ लग गया? कहाँ लग गया? तू तो वो देख रहा है। अरे बंद कर दो। सॉरी सुनिए यार, दीदी को मिस कर रही हूं। ये इसी भाई से मिस कर रही हूं। बोल 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 बोल, आज ही ताना तुम्हारी, आज ही तो आज ही ताना मारती तुम्हारी।
हैप्पी बर्थडे नमन। ओम जय जगदीश। हैप्पी बर्थडे। कुछ भी बात कर रहा है। ये मेरे को बड़ा बड़ा कुछ रहो कुछ रहो कुछ रहो। किसी सारे रिचुअल्स करने के बाद मैं अपने ससुराल आ गई थी और फिर उसके बाद भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि अब बहुत देर बाद हम आए थे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। वो बच्चे कुछ टाइम में मैं थोड़ा बहुत आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ससुराल का मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि वहाँ बहुत सारा काम रहता है, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं कर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो आप हम वीडियोज़ वगैरह नहीं रिकॉर्ड कर पाते और कोई रहता भी नहीं कि मैं जिसको बोलूँ कि यार हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर दो। तो जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया है तो वही वो भी जो मेन जो अभी कार्यक्रम हुआ है घर पे बस उसी का ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। मॉर्निंग का है तो मैं नहा वहा के बस रेडी वगैरह हो रही थी और इतनी गर्मी थी इसलिए मैंने सिंपल सी साड़ी वेयर करके रखी थी कि ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं लगे क्योंकि काम वगैरह तो मुझे ही करना था, वही खाना वगैरह बनाना सारी चीज़ें करना तो मुझे ही करना था और गर्मी बहुत ज़्यादा है सतना में, बहुत ही ज़्यादा। बेटू भी एडमिट था तो भाई ये भी सुबह उठ गए थे और इनको भी हॉस्पिटल वगैरह जाना था क्योंकि भाभी 4 दिन कंटिन्यू हॉस्पिटल में थी तो उनको भी 1 दिन का रेस्ट लेना था, मतलब घर में नहा धो के वो थोड़ा सा चेंज वगैरह करके आ जाती और खाना वगैरह लेके जाना था। तो वही आए हुए थे रूम में, वही अपनी वॉच वगैरह पहनने के लिए वो पूछ रहे थे कि तुम्हारी वीडियो वगैरह बन रही है। आपकी टाइम लग जाएगा वहाँ आ रही तो पूरा बना दे रही। बाहर का कुछ मत कुछ खाइए, गला खराब है आपका। और आगे से दिखाते हैं ये इस वाले में दीदी, इस वाले खंडे छोटे वाले खंडे में अबे धार ही है पता है। हां हां नहीं यहां पूरी वाले आए एक थे चढ़वा दे दो ठेला कर अच्छा। हां अब आप
अरे गठिया धर देंगे जब हम तो हम धर दिए धर के और सब चढ़ा पूते हैं हमारे सब लग दी जत्ता सामान है भाई हल्दी सुपारी गठिया का धर दी है ये नहीं सुपारी है ये शाम की कुआं पूजने की क्लिप है। तो दिन में हमने कथा वगैरह भी करवाई थी, उसका मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, बताया था ना कि काम वगैरह था तो मैं अपने काम में बिजी थी तो मैंने उसकी वीडियो वगैरह नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और फिर मैंने अपने हाथ पे शाम को मेहंदी भी लगवा ली थी क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल गई थी, मेरे पास कुछ काम था नहीं तो मैं उससे मेहंदी लगवा लेती हूँ। और फिर ये मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई हुई थी और ये शाम को कुआं वगैरह पूज रही थी दीदी की, तो वह कुआं वगैरह पूजी है। और उसके बाद वही छोटे मोटे रिचुअल्स जो होते हैं तो वो सब हुए थे। ये देखो चाची खड़ी हुई गाली जो मम्मी का ना अगर अब तो आई 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 पूजा फोटो आ छोटी वाली को जाइए जी जी आप ले चल आ गए हां खेल लो खेल लो ठीक है आओ साथ में की धारे अब इसका समय चला जा दो बजे आराम आराम कटने का थे दो तक हो गए तीन ए वहां ग्वार भर धान कर फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक भी करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। अब नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा वो राखी का